सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मैट्रिक फेल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है, आईटेल ने लॉन्च कर दिया आईटेल S23 Plus। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्या कुछ वेरिफिकेशन देने को मिलेगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें, 6.78 इंच का एमोलेड 3D कर्व्ड पंच होल का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एंड प्रोसेसर की बात करें तो यूनेसी T616 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों। एंड इस स्मार्टफोन की अगर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा, यहाँ पर आप लोगों को 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एंड साथ ही साथ LED फ्लैश भी दिया गया है दोस्तों। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है दोस्तों। एंड अगर इस स्मार्टफोन की अगर रिफ्रेश रेट की बात करें, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है दोस्तों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, साथ ही साथ फेस अनलॉक भी दिया गया है दोस्तों। एंड दोस्तों, इस स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी प्लस 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है दोस्तों। एंड USB Type-C पोर्ट का सपोर्टेड दिया गया है दोस्तों। और इस स्मार्टफोन की अगर रैम की बात करें तो 8 GB रैम प्लस 256 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, एंड्रॉयड 13 में रहने वाला है दोस्तों ये स्मार्टफोन। एंड अगर इस स्मार्टफोन की अगर वेट की बात करें तो 179 ग्राम का वेट दिया गया है दोस्तों। एंड ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, दो कलर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एंड अगर इस स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करें तो 13,999 रुपये प्राइस रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इस स्मार्टफोन का वेरिफिकेशन। अब दोस्तों, मैं इस स्मार्टफोन का दो बिग प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ दोस्तों। इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, यूनिसी T616 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर दोस्तों 8 से 10 हज़ार वाला मोबाइल में यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये सेम प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, गेम अगर खेलते हैं तो ये मोबाइल दोस्तों उतना अच्छा से गेम प्ले नहीं होगा, गेम वगैरह नहीं चलेगा दोस्तों। एंड ये जो मोबाइल है दोस्तों, अगर आप लोग इसी मोबाइल से गेम खेलोगे तो आपका मोबाइल दोस्तों हैंग होगा, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मोबाइल 4G होने वाला है दोस्तों, ये मोबाइल 5G नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को अगर परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो दोस्तों। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन से अगर वीडियो वगैरह देखना चाहते हो दोस्तों, या फिर कॉलिंग वगैरह करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को अगर परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।